कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन पर। इस अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन वाले टॉपिक में कुछ योजनाएं हैं और उन योजनाओं से कथन आधारित प्रश्न स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे CGPSC ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट से भी ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का बुक मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। ये बुक कल से यानी कि 15 जून 2023 से रायपुर के बुक डिपो में और 16 जून 2023 से बिलासपुर के बुक डिपो में अवेलेबल हो जाएगा। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भी ऐड किया है। जो करंट अफेयर के जितने भी कंटेंट हमने बनाए हैं उसके प्रैक्टिस सेट के तौर पर उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह को भी इसमें ऐड किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पे आते हैं। अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, वित्तीय समावेशन एवं सुरक्षा योजना। इस अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन के अंतर्गत हम केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। ये योजनाएं काफी पहले 2014-15 के आसपास इन योजनाओं को लागू कर दिया गया था। ये योजनाएं थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये योजनाएं आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन योजनाओं के लागू होने से हमारे भारत देश में एक नई वित्तीय क्रांति की शुरुआत हुई थी। इन योजनाओं से रिलेटेड कोई भी नए अपडेट्स आते हैं, इन योजनाओं की जो वर्तमान में स्थिति है उससे संबंधित क्वेश्चन आज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी योजनाएं हैं जिनके लागू होने से भारत देश में एक नई वित्तीय क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल बना हुआ है। इन टेबल में एक कॉलम में योजनाओं के नाम, वो योजनाएं किस डेट में प्रारंभ हुई, उन योजनाओं से जुड़े हुए क्या क्या पात्रता है, उन योजनाओं के अंतर्गत क्या प्रावधान है, उन योजनाओं में क्या कवर या क्या लाभ मिलेगा और उन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, एक एक करके चर्चा करते हैं, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई। जो वर्ड बोल रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई। यह योजना बैंकों में अकाउंट ओपन करने से संबंधित योजना थी। ठीक है, अब इसमें एक शब्द यूज हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए यह योजना लागू की गई और यह योजना बैंकों में अकाउंट ओपन करने संबंधित है। अगर आप ध्यान देंगे, जो आपके कमर्शियल बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, किसी कमर्शियल बैंक में आप जाकर के अकाउंट ओपन करना चाहेंगे तो उस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, कुछ बैंकों में 1000 रुपये होता है, कुछ बैंक में 1500, कुछ बैंक में 2000 होता है। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में जाएंगे तो ये मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट जो है ये 5000 से 10000 रुपए तक होता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो परिवार है वो रोजमर्रा तौर पे डेली बेसिस पे कमाते और खाते हैं। ठीक है, रोजी पर जाते हैं, कमाते हैं और वापस आकर के अपने घर का पूर्ति करते हैं। तो वो किसी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करके, किसी बैंक में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करके वहां पर अपना 1000 रुपए फंसाना नहीं चाहते, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, 1000 रुपए कम से कम डिपॉजिट करना होगा, तो वो 1000 रुपए किसी बैंक में जमा नहीं करना चाहते थे। इस कारण से उन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए इस प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इस योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी लाई गई। यानी कि इस योजना के तहत
कोई भी व्यक्ति बैंकों में जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकता है जीरो बैलेंस के साथ, कोई भी मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। शुरू में इस योजना को जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार को लक्षित करते हुए इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन 28 अगस्त 2014 को जब यह योजना लागू हुआ तो यह अखिल भारतीय स्तर पर सभी वर्ग के लोगों के लिए लागू कर दिया गया और ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाए, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों में अपना अकाउंट खोले तो उन्हें आकर्षित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत कुछ लाभ की भी सुविधा लाई गई। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना बैंक अकाउंट ओपन करेगा उसे दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आदि प्रदान की जाएगी। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की तो फैसिलिटी लाई गई, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, खाली पीली बैंक अकाउंट ओपन क्यों करें? तो उन्हें आकर्षित करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करेगा उसे दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा की सुविधा, उन्हें बीमा कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस कारण से इस योजना में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के जुड़ने शुरू हुए। अगर हम ध्यान दें, देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि अखिल भारतीय स्तर पर 28 अगस्त 2014 को लागू हुआ, इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी इसके अंतर्गत अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे भारत देश में जो एडल्ट है यानी कि वयस्क, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वयस्क माना जाता है और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इसमें 10 वर्ष से अधिक आयु का बात किया जा रहा है। तो जो 10 से लेकर के 18 वर्ष के बीच के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो अपने गार्जियन के निगरानी पे, अपने पेरेंट्स की निगरानी में भी अपना बैंक अकाउंट इसके अंतर्गत खोल सकते हैं। ठीक है, इस योजना में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी है। इसमें खाता धारक को बीमा कवर प्रोवाइड किया जाता है, बीमा कवर दुर्घटना बीमा, यानी कि अगर किसी एक्सीडेंटल केस में, दुर्घटना की स्थिति में 1,00,000 रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। जीवन बीमा, अगर किसी व्यक्ति की साधारण तौर पर मृत्यु हो जाती है तो उसे इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर उसका अकाउंट ओपन है तो साधारण स्थिति में मृत्यु की दशा में उसे उस खाता धारक को 30,000 रुपए का बीमा का कवर उनके परिवार को दिया जाएगा और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है आपका 10,000, ध्यान समझना। दुर्घटना बीमा, अगर खाता धारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1,00,000 रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी, लेकिन उस खाता धारक के पास रुपए कार्ड होना जरूरी है। रुपए कार्ड एक प्रकार का डेबिट कार्ड है। बैंकों के द्वारा अगर इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी बैंक में अगर अपना खाता ओपन करता है और वो एक निश्चित अमाउंट में उस बैंक से कुछ एक निश्चित अवधि में सफिशियंट लेन देन करता है, यानी कि पैसा डिपॉजिट कर रहा है समय पर, पैसा विड्रॉल कर रहा है, तो उसे देखते हुए बैंक उस खाता धारक को रुपे कार्ड प्रोवाइड करेगा। रुपे कार्ड एक प्रकार का डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है। तो जिस खाता धारक के पास रुपे कार्ड होगा यानी कि वो बैंक से अपना सही समय पर लेन देन कर रहा है, ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट ओपन करके छोड़ दिए, भूल गए, साल साल, दो दो साल, तीन तीन साल उससे ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे, तो वैसे लोगों को आपका बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग सही समय पर लेन देन कर रहे हैं, पैसों को विड्रॉल कर रहे हैं, पैसे को जमा कर रहे हैं, पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो है रुपे कार्ड प्रोवाइड होगा और रुपे कार्ड धारक, खाता धारक को ही इस दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर प्रोवाइड होगा। साधारण स्थिति में मृत्यु की दशा में जीवन बीमा की राशि 30,000 रुपए उसके परिवारों को मिलेगा। ओवरड्राफ्ट, ये एक प्रकार का लोन है, एक प्रकार का ऋण है। बैंक देखेगी कि एक जो खाता धारक है उसके अकाउंट में एक निश्चित अवधि में यानी कि 6 महीना या साल भरे में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ और कितने बार उसने पैसा का विड्रॉल किया, यानी कि उसके अकाउंट में क्या विड्रॉल, क्या कैश का क्या लेन देन चल रहा है, उसके आधार पर 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक जो है मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान करेगा, यानी कि वो उसे जो है बैंक से 10,000 रुपए तक का लोन, इसे आप लोन समझ सकते हैं, लोन के तौर पर बैंक उसे दे सकती है। ठीक, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुलवाए जाने वाले खाता धारकों को, अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो दिसंबर 2022 तक की स्थिति में 47 करोड़ 83 लाख 96 हजार
632 खाता धारक मौजूद हैं। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की पुस्तक में ये बताया गया है कि ये जो आंकड़ा है ये हमारे छत्तीसगढ़ में खाता धारकों की संख्या है, जो कि संदेहास्पद है। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे, हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, 2.55 करोड़। कब तक की स्थिति में? जनगणना 2011 की स्थिति में। ठीक, अभी तो 2021 में आपके जनगणना के नए आंकड़े आ जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना काल, लॉकडाउन के कारण सर्वे अभी तक पूरा हुआ नहीं है और जनगणना के आंकड़े आए नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि इस 2011 के जनगणना के हिसाब से हमारे प्रदेश की जो जनसंख्या थी उसको अगर हम 3 गुना भी कर देते हैं तो भी हमारे प्रदेश की जनसंख्या कितनी होगी? कम से कम 7.5-8 लाख के आसपास होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, 47,83,96,632 खाता धारक, जो कि पॉसिबल नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में यहां पर लिखने में मेरे हिसाब से गड़बड़ी हुआ है। यह जो आंकड़ा है यह अखिल भारतीय स्तर का आंकड़ा है। ठीक है, अभी वीडियो बनाने से पहले मैं चेक भी कर रहा था, लगभग आपका 48 करोड़ के आसपास खाता धारक है अभी करंट स्टेटस में। तो ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा अखिल भारतीय स्तर का है, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ में खाता धारकों की संख्या बताई गई है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डाटा आते हैं उसी को हम आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में, हाँ आर्थिक सर्वेक्षण के बुक का ही ये सारा कंटेंट है, जो CGPSE पाठशाला का आर्थिक सर्वेक्षण है ना, उसी का ही ये कंटेंट है, उसी से आपका ये वीडियो सीरीज चल रहा है। तो उसमें भी जब कभी भी हम बुक बनाते हैं ना, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे से हम छेड़छाड़ नहीं करते, जो उसमें लिखा हुआ है उसी चीज़ को टू दी पॉइंट उसे हम ऐड कर देते हैं। उसमें इन योजनाओं का इतना डिटेलिंग नहीं दिया है, लेकिन ये आंकड़ों पर मेन फोकस किया गया और जो आंकड़े उसमें दिए गए हैं उन्हीं आंकड़ों को हमने यहाँ पर लिखा है। लेकिन हाँ, ये आंकड़े संदेहास्पद है। ठीक है, डाउटफुल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3 योजनाओं को लागू किया गया। ठीक, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3 योजनाओं को लागू किया गया। कौन कौन सा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये तीनों की तीनों जो योजनाएं हैं ना, ये प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना में शामिल ये योजनाएं हैं। ठीक है, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को लागू किया गया। अब ये है क्या, इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि 9 मई 2015 को लागू हुआ, इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र है। इस योजना में 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। अगर इस जीवन बीमा योजना के अंतर्गत जो पात्र हितग्राही है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर इस बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना का ही एक हिस्सा है, जो कि 9 मई 2015 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत 18 से लेकर के 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसमें वार्षिक प्रीमियम के तौर पर वार्षिक बीमा राशि जो है इसमें प्रदान करनी होती है 436 रुपये। पहले यह राशि थी 330 रुपये। ठीक है, पहले यह राशि जब यह योजना शुरू की गई थी तब यह राशि थी 330 रुपये वार्षिक, जिसे बढ़ा करके कर दिया गया है 436 रुपये। कब से? 1 जून 2022 से। तो अब इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना और बढ़ जाती है,
कथन आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 से शुरू किया गया, इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग पात्र होंगे, इस योजना में वार्षिक प्रीमियम राशि ₹436 जमा करनी होती है, इस योजना के अंतर्गत बीमा कवर जो बीमा धारक की मृत्यु होने पर ₹2,00,000 की बीमा कवर उसके परिवार को प्रदान की जाती है। ये चार स्टेटमेंट है, चारों कथन सत्य है। अब इसमें क्या गड़बड़ी करेगा, या तो डेट चेंज कर देगा, या तो 18 से लेकर के 40 वर्ष कर देगा, या 18 से लेकर के 65 वर्ष कर देगा, या ये जो प्रीमियम राशि है उसे ₹330 पुराना प्रीमियम राशि बता देगा, और यहां पर जो है बीमा कवर ₹2,00,000 की जगह ₹1,00,000 कर देगा। और प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, तो जितने भी इसमें चीजें लिखी हुई वो सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, और चेंजेस कथन आधारित प्रश्न में इन्हीं सब चीजों में चेंजेस करता है, या तो डेट चेंज कर देगा, या तो जो पात्र हितग्राही है उसकी आयु वर्ष को चेंज कर देगा, या तो प्रीमियम राशि चेंज कर देगा, या तो फिर आपका बीमा कवर की जो राशि है उसे चेंज कर देगा। इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमा धारक है उसके बैंक अकाउंट को इस योजना से लिंक किया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष उसके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली ₹436 की वार्षिक प्रीमियम राशि ऑटोमेटिकली डेबिट कर दी जाती है। अगर किसी कंडीशन में उस बीमा धारक के बैंक अकाउंट में ये ₹436 नहीं है, मान लीजिए उसके बैंक अकाउंट में मात्र ₹200 है, वार्षिक प्रीमियम राशि उसके बैंक अकाउंट में नहीं है, तो ये जो बीमा जो है ये बीमा वहीं पर समाप्त हो जाएगा, उस बीमा धारक का बीमा वहीं पर समाप्त हो जाएगा और आगे उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें ₹436 जो है मिनिमम अमाउंट अपना मेंटेन करना होता है ताकि ऑटोमेटिकली अकाउंट से डेबिट हो जाए। ठीक, हमारे प्रदेश में इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 31.70 लाख लाभार्थी है। ठीक है, 31.70 लाख लाभार्थी है। कब तक की स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, जून 2022 तक की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 31.70 लाख लाभार्थी है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना का एक हिस्सा है, 9 मई 2015 को यह लागू हुआ। इसके अंतर्गत जो पात्र हितग्राही है उनकी आयु सीमा 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें ₹20 वार्षिक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। ठीक है, पहले यह राशि थी ₹12, पहले कितना था ₹12, लेकिन 1 जून 2022 से इसे बढ़ा करके कर दिया गया है ₹20 वार्षिक। ठीक, इसमें अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता की दशा में उसके परिवार को ₹2,00,000 और अस्थायी विकलांगता की दशा में बीमा धारक को ₹1,00,000 की बीमा राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ध्यान समझना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 9 मई 2015 को लागू हुआ, इसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की जो आयु सीमा है वो 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें ₹20 वार्षिक प्रीमियम राशि दी जाती है। पहले ये राशि जो है आपका ₹12 वार्षिक था, लेकिन अब इसे ₹20 वार्षिक प्रीमियम राशि कर दिया गया। ठीक है, 1 जून 2022 से। इसमें अगर जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना में, तो मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को ₹2,00,000, स्थायी विकलांगता यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी, स्थायी विकलांगता मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना या एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया और पैर जो है बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा, तो ये क्या हुआ, वो व्यक्ति परमानेंट डिसेबल हो गया यानी कि स्थायी रूप से विकलांग हो गया, तो उस कंडीशन में उसे ₹2,00,000 की राशि प्रदान की जाएगी। एक होता है अस्थायी विकलांगता, अस्थायी विकलांगता की दशा में जैसे कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उस डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उसके पैर को तो ठीक कर दिया लेकिन उसे रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, तो उस कंडीशन में उसे जो है ₹1,00,000 की राशि प्रदान की जाएगी।
इससे भी कथन आधारित प्रश्न आएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना 9 मई 2015 को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की आयु सीमा 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है। इसमें वार्षिक प्रीमियम राशि ₹20 जो है इसमें निर्धारित की गई है। इसमें बीमा कवर के तौर पर मृत्यु या स्थायी विकलांगता की दशा में बीमा धारक या उसके परिवार को ₹2 लाख और स्थायी विकलांगता की दशा में ₹1 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अब इसमें कोई भी एक डाटा चेंज कर देगा, जैसे ₹20 वार्षिक प्रीमियम के जगह यहाँ पे ₹12 दे देगा और ये हो जाएगा आपका असत्य कथन। ये डाटा चेंज हो गया 1 जून 2022 से, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें हमारे प्रदेश में जून 2022 तक की स्थिति में, इसमें पात्र लाभार्थियों की अगर हम संख्या देखें तो वो है 87.36 लाख, 87.36 लाख इसके अंतर्गत लाभार्थी है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये भी प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना का ही एक हिस्सा है। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लागू किया गया। इसके अंतर्गत जो पात्र हितग्राही है उसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, ठीक। इसमें एक निश्चित राशि 20 वर्ष तक जमा करनी होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है 20 वर्ष तक जमा करना होता है। यह असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए यह योजना है। असंगठित जैसे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर के भी जो लोग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं, उनके अकाउंट उनके जो है सैलरी से कुछ ना कुछ अमाउंट डेबिट होता है, जो कि जब वो किसी उस कंपनी को छोड़ते हैं तो वो राशि उन्हें एक साथ प्रदान कर दी जाती है। लेकिन जो असंगठित जो आपके जो संगठन होता है, जैसे कि जो कंपनी होती है प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, संगठन कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है असंगठित, नॉन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। असंगठित निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत श्रमिक, यानी कि गवर्नमेंट जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर की किसी भी संगठन से उसका कोई लेना देना नहीं है, निजी क्षेत्र के, और असंगठित है यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें कार्यरत श्रमिक, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें जो बड़े बड़े अपार्टमेंट है, बड़े बड़े अपार्टमेंट के बाहर काम करने वाले जो प्यून है, चौकीदार महिला जो कि घर घर जाकर के बर्तन मलने का कार्य करती है, ठीक है, उन लोगों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे श्रमिक जो कि किसी ठेकेदार के पास जाकर के बिल्डिंग निर्माण का काम करते हैं, ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक है। जैसे कि हमारे प्रदेश में जो है आपके श्रमिक कर्मकार मंडल है, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन कराना का पड़ता है, वो लोग इसमें शामिल नहीं है, उन्हें राज्य सरकार के तहत उन्हें कई योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन ये असंगठित प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र के में कार्यरत श्रमिकों की बात की जा रही है, ठीक है। घरों में जाकर के बर्तन मलने वाली महिलाएं, अपार्टमेंट के बाहर काम करने वाले चौकीदार, आपके किसी ठेकेदार के पास काम करने वाले श्रमिक, उन्हें जो है इस योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद, जब उनकी उम्र 60 साल की हो जाएगी उसके पश्चात, उन ये 60 साल का जो उम्र है ये रिटायरमेंट का होता है, लेकिन ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, कोई आपके गवर्नमेंट सेक्टर के कोई कर्मचारी नहीं जो इन्हें पेंशन मिलेगा। इन्हें क्या करना होता है, 18 से लेकर के 40 वर्ष जो इनकी आयु है, इस आयु के बीच एक निश्चित राशि, वो निश्चित राशि कुछ भी हो सकती है, अलग अलग स्लैब होता है, ₹500 प्रति माह, ₹250 प्रति माह, ₹800 प्रति माह, ₹1000 प्रति माह, वो निर्धारित होता है। एक निश्चित राशि उन्हें 20 वर्ष तक जमा करना है, और जैसे ही उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी, जैसे ही उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तो उन्हें पेंशन के रूप में 1000 से लेकर के ₹5000 मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो राशि 1000 होगा, 2000 होगा, 3000 होगा, 4000 होगा या ₹5000 मासिक होगा, वो डिपेंड करेगा जमा की जाने वाली निश्चित राशि के ऊपर। उसके अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, वो स्लैब अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें पात्रता कब से कब तक है, 18 से लेकर 40 वर्ष। इसमें असंगठित निजी क्षेत्र के कार्यरत श्रमिक इसके अंतर्गत पात्र होंगे, जिन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलेगा। 1000 से लेकर के ₹5000 मासिक पेंशन राशि निर्धारित की गई है। उन्हें एक निश्चित राशि, अलग अलग स्लैब की राशि 20 वर्ष तक जमा करनी होगी, तब उन्हें जो है 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में जून 2022 तक की स्थिति में 7.01 यानी कि 7.01 लाख लाभार्थी मौजूद है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, अब ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इस सुकन्या समृद्धि योजना को लागू किया गया।
बेटियां बोझ नहीं होती इस नारे के साथ इस सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया। बेटियां बोझ नहीं होती, देखिए आज भी जो हमारा रूढ़िवादी समाज है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर जगह मैक्सिमम जो आपके अनएजुकेटेड के साथ साथ कुछ ऐसे एजुकेटेड पीपल भी है जो कि आपके बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटियों के जन्म के साथ ही उनके खर्चों को गिनने लगते हैं। बेटियों को पराया धन समझा जाता है कि बेटी का जन्म हो गया तो अब इसके पढ़ाई लिखाई पे खर्च होगा, उसके खाने पीने पे खर्च होगा, ठीक है, उसके बाद इसके शादी पे खर्च होगा और शादी के बाद ये दूसरे घर में चले जाएगी, हमारे पास नहीं रहने वाली। तो बेटियों को आज भी रूढ़िवादी समाज में, केवल ग्रामीण क्षेत्र में ये व्याप्त नहीं है, शहरी क्षेत्र में भी बहुत से, यहां तक कि एजुकेटेड पर्सन लोग भी ऐसे आपके विचार से ग्रस्त है, जहां पर बेटियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें पराया धन समझा जाता है। तो इस विचारधारा को बदलने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियां बोझ नहीं होती इस नारे के साथ सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का एक बैंक अकाउंट खोला जाता है माता पिता की निगरानी में, ठीक है। इसमें 250 रुपए सालाना न्यूनतम राशि जमा करनी होती है, 250 रुपए, 250 रुपए सालाना न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। इसमें एक माता पिता की अधिकतम 2 बालिकाओं का बैंक अकाउंट इस योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है, ठीक है, किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो कोई गरीब परिवार का हो, चाहे कोई मिडिल क्लास का हो, चाहे अमीर परिवार का हो। अगर एक माता पिता की दो बालिकाएं हैं, 2 लड़कियां हैं, तो वो अपना इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें जो डिपॉजिट राशि है कम से कम 250 रुपये सालाना, साल में कम से कम 250 रुपये, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं, कम से कम 250 रुपये, अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए की राशि इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये डिपॉजिट बैंक अकाउंट खोलने के 14 साल तक ये इसमें जो है आप पैसा जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई, अगर किसी ने 250 रुपये शुरुआत किया तो हर साल उसको 250 रुपये डालना है, कोई 250 रुपये डाल सकता है किसी साल, किसी साल 1000 रुपये, किसी साल ज़्यादा पैसा आया तो 5000 रुपये, किसी साल 10000 रुपये, किसी साल 15000, किसी साल 1.5 लाख रुपये डाल दिया। ऐसा नहीं कि जिस राशि से हमने शुरुआत किया उतना ही राशि हर साल जमा करना है, मैक्सिमम इसमें 1 साल में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं और ये 14 साल तक जमा करना है। इसकी मैच्योरिटी कब है, यानी कि ये परिपक्व कब होगा, ये राशि 21 साल बाद, यानी कि जब लड़की की आयु 21 साल की हो जाएगी, ठीक है, या उसकी उम्र शादी की हो जाएगी, आज के डेट में 18 साल की जब लड़कियां होती है तो उनकी शादी करा दी जाती है, या तो उस लड़की की आयु 21 साल हो या तो उसका शादी किया जा रहा है, उस कंडीशन में इसमें जो मैच्योरिटी राशि है उसे विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर 18 साल की हो गई है लड़की तो वो अपने एजुकेशन पर्पस से, शिक्षा के लिए जो कुल अमाउंट उसमें डिपॉजिट है उसका 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकती है, यानी कि निकाल सकती है। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक के स्थिति में 7.6% ब्याज दिया जाता है। अगर हम नॉर्मल बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसमें 3 से लेकर 3.5-4% के आसपास ब्याज मिलता है। इस योजना के अंतर्गत अगर बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो उसमें 7.6% ब्याज 2022 तक की स्थिति में मिल रहा था, ठीक है। अब इसमें अपडेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ना, इसकी जो ब्याज है ये हर तीन महीने में ये रिवाइज होती है। काफी समय से ये अपडेट ही नहीं हुआ है, ठीक है, काफी समय से जो है, अगर हम बात करें 2021 2022 के दिसंबर एंड तक ये 7.6% था, लेकिन अप्रैल 2023 इसे इकोनॉमिक सर्वे के बुक में भी इसे ठीक कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा, ये कोई मिस्टेक नहीं है, अपडेशन आया है, ठीक है। अप्रैल 2023 की स्थिति में इस सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है वो 7.6% से बढ़ा करके 8% कर दिया गया है, यानी कि इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो बालिकाओं का जो बैंक अकाउंट खोला जाएगा उसमें जो राशि जमा की जाएगी उसमें 8% ब्याज प्रदान किया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये करंट का टॉपिक है तो इससे तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक। नेक्स्ट है मुद्रा योजना, मुद्रा MUDRA,
माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा का फुल फॉर्म है। इसके फुल फॉर्म से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा का पूरा नाम क्या है। मुद्रा योजना का जो पूरा नाम है वो है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट यानी कि सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय से संबंधित यह योजना है, ठीक है। 8 अप्रैल 2015 को यह योजना लागू किया गया, जो कि सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय से संबंधित यह योजना है। यह एक प्रकार की ऋण योजना है, ठीक है। सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय को ऋण देने की योजना है। देखिए, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, जिनका टर्नओवर काफ़ी करोड़ों में होता है, उन योजनाओं को सभी बैंक लोन देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म उद्योग है, जो छोटे व्यवसाय है, उन्हें लोन देने के लिए जनरली कोई बैंक राजी नहीं होता। तो उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा मुद्रा योजना लाया गया। इस मुद्रा योजना के माध्यम से जो लघु और सूक्ष्म व्यवसाय है, ठीक है, सूक्ष्म और लघु व्यवसाय है, उन्हें अलग अलग चरण में ऋण दिया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 चरण बने हुए, शिशु चरण, किशोर चरण और तरुण चरण। इसके अंतर्गत वो आपका जो उद्योग है, लघु और सूक्ष्म जो व्यवसाय है, वो कितनी अवधि से कार्यरत है और उनका इनकम कितना हो रहा है, उसके आधार पर यह 3 कैटेगरी निर्धारित की गई है। शिशु ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण उन्हें प्रदान किया जाता है। किशोर ऋण योजना के अंतर्गत 50 से लेकर के 5 लाख रुपये तक का ऋण उन्हें प्रदान किया जाता है। तरुण ऋण योजना के अंतर्गत 5 से लेकर के 10 लाख रुपये तक का ऋण उन्हें प्रदान किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मुद्रा योजना के फुल फॉर्म से प्रश्न आता है, मुद्रा योजना किस डेट में लागू हुआ उससे प्रश्न आता है, और इनके 3 चरण में जो ऋण की राशि प्रदान की जा रही है ना, उससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे भी कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राज्यों में बैंकिंग कार्यों की गतिविधियां। ये इससे तो वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी फटाफट एक नजर मार लेते हैं इसमें। अगर हम बात करें हमारे प्रदेश में बैंकों की संख्या कितनी है, तो बैंकों की संख्या है 47। आपके जून 2022 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 47। और उन बैंकों की शाखाएं कितनी है, यानी कि ब्रांचेस की अगर हम बात करें, तो वो है 3,223। और ATM की संख्या की बात करें तो वो है आपका 3,233 ATM है और 3,223 शाखाएं हैं। और कुल जमा राशि की बात करें, यानी कि प्रदेश में जो 47 बैंकों की संख्या है और उनकी शाखाओं में हमारे प्रदेश में 2,14,424.87 करोड़ रुपए की राशि जमा है, ठीक है। हमारे प्रदेश में जो बैंक है उसमें प्रदेश के निवासियों का 2,14,424.87 लाख रुपए की राशि जमा है। नेक्स्ट है आपका रुपे कार्ड। जैसे कि मैंने बताया था, आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत रुपे कार्ड, जो कि एक प्रकार का क्या है, रुपे कार्ड एक प्रकार का डेबिट कार्ड है। रुपे कार्ड की जो शुरुआत है ये आपके 8 मई 2014 से हुई, ठीक है, 8 मई 2014 से हुई। 2014 से पहले हमारे भारत में 2 प्रकार के कार्ड चलते थे। एक था आपका वीजा और एक था आपका मास्टर कार्ड, और एक मेस्ट्रो कार्ड भी आता था, ठीक। तो ये जो वीजा और जो मास्टर कार्ड है, ये विदेशी कंपनियों के द्वारा ये कार्ड प्रदान किया जाता था। तो कहीं ना कहीं भारत के बैंक खाता धारकों का जो रिकॉर्ड है वो विदेशी कंपनियों के पास जाता था। तो इसे दूर करने के लिए भारत ने अपना खुद का एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया, जिसका नाम था रुपे कार्ड, ठीक है, रुपे कार्ड। जहां पर ये वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड को इशू करने के लिए कम से कम 150 से लेकर के 250 रुपए का एनुअल चार्ज देना पड़ता था, वहीं पर रुपे कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जाता है। ये हमारा भारत का कार्ड है रुपे कार्ड, जो कि एक डेबिट कार्ड ATM कार्ड है। भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है ये रुपे कार्ड। इसे नियोजित करता है NPCI के द्वारा इसे नियोजित किया जाता है। NPCI का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसमें यह भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान की सुविधा देता है, यानी कि वही ATM कार्ड, ठीक। नेक्स्ट है आपका ई शक्ति योजना। अब ये ई शक्ति योजना क्या है, ई शक्ति योजना आपका स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप,
स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के डिजिटाइजेशन संबंधित है। अभी डिजिटल भारत का दौर चल रहा है, तो जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी कि स्व सहायता समूह है उनके डिजिटलाइजेशन से संबंधित है आपका ई शक्ति योजना। ई शक्ति योजना का प्रारंभ 15 मार्च 2015 को किया गया नाबार्ड के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत टोटल 8 जिले शामिल किए गए हैं। पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे में जो है पिछले साल के डाटा तक 6 जिले शामिल थे। अभी 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में इस ई शक्ति योजना के अंतर्गत 8 जिलों के स्व सहायता समूहों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें आपका राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, कांकेर और रायगढ़, ये 8 जिले हैं। ठीक, इसमें जो है सुविधा समूहों के वर्गीकरण से ऋण संबंधित निर्णय लेने में मदद करेगा अगर डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। बैंकों को स्व सहायता समूहों को ऋण देने में आसानी होगी। ठीक, अगर हम इसकी उपलब्धि की बात करें तो 8 जिलों में अब तक 43,867 स्व सहायता समूहों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है इस ई शक्ति योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृषक क्लब और कृषक उत्पाद संगठन। कृषक क्लब और कृषक उत्पाद संगठन क्या है? देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मैं आपको साधारण शब्द में बताता हूँ। कृषक क्लब नाम से स्पष्ट है कृषकों का एक समूह, कृषकों का एक संगठन। एक कृषक क्लब बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे किसानों को जोड़ा जाता है और कृषि क्षेत्र में जो नई नई योजनाएं आती है उससे उन्हें अवगत कराया जाता है। जैसे बीजों का सही प्रयोग करना, उसके अलावा उर्वरकों का सही प्रयोग करना, जो सरकार के द्वारा जो कृषकों के लिए जो नई योजनाएं लाई जा रही है उससे उन्हें अवगत कराना, जो कृषि क्षेत्र में जो आपके कृषि यांत्रिकरण जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे जो है उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, ये कार्य करता है आपका कृषक क्लब। हमारे प्रदेश में वर्तमान में यानी कि नवंबर 2021 के बाद ये डाटा अपडेट ही नहीं हुआ है, नवंबर 2021 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में 700 कृषक क्लब संचालित है और कृषक उत्पादक संगठनों की संख्या है आपका 57 और ये दोनों डाटा ना एग्जाम में आए हुए हैं। हमारे प्रदेश में कुल कितने कृषक क्लब संचालित है पूछा जाए तो 700 और कुल कितने कृषक उत्पादक संगठन है पूछा जाए तो वो है आपका 57। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये दोनों आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सहकारिता। ठीक है, सहकारिता कॉरपोरेटिव, अब ये होता क्या है, अब मैं इसके थ्योरी पे नहीं जाता, थ्योरी चलिए ठीक है फटाफट आपके लिए पढ़ लेता हूं, वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे की बुक में दिया हुआ है। सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सरकारी संस्थाएं हैं। ठीक है, इन संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं के द्वारा प्रदेश के कृषि, यहाँ पे कृषकों होगा ना, दोनों एक साथ है, प्रदेश के कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, बीज, कीटनाशक दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर खरीद, उपभोक्ता आवास, मत्स्य डेयरी, बुनकर, खनिज वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण और औद्योगिक इकाइयों के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है। ठीक है, सहकारिता कॉरपोरेटिव अभी है क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जहां पर जो कॉरपोरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है, ये जो आपका सहकारी बैंक है, एक आपका कमर्शियल बैंक है और ये है आपका कॉरपोरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, आपके पैसे को डिपॉजिट करते हैं, आपसे पैसा लेंगे, उसके एवज में आपको 3% ब्याज देंगे और आप ही के पैसे को किसी और को लोन पे दे देंगे 8% पे। आपके पैसे पे बैंक ने आपको 3% दिया और सामने वाले को उसने 8% पर ब्याज में दे दिया, 8% पर उसे लोन पे दे दिया, तो बीच का जो 5% है वो कमर्शियल बैंक की कमाई होती है। ठीक है, जबकि सहकारी बैंक जो है ये ऋण देने का काम करते हैं, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को ऋण देने का कार्य करते हैं, ये कमाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये छोटे किसानों को, लघु व्यवसायों को ये लोन देने का कार्य करते हैं कॉरपोरेटिव बैंक। हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जिसे एपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या है 1। इस छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या है 6, टोटल इसकी 6 शाखाएं हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कुल 6 जिला सहकारी बैंक संचालित है, कहां कहां पर, एक रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, एक रायगढ़ में भी था लेकिन पता नहीं पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे से वो उसका नाम इसमें मेंशन नहीं हो रहा है।
ठीक है, टोटल संख्या 7 थी, लेकिन पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे से ये संख्या 6 बता रहे हैं। तो इनकी अगर हम शाखाओं की बात करें तो रायपुर जिला सहकारी बैंक की शाखा है धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है। जबकि अगर हम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग का दुर्ग बालोद बेमेतरा, राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव का राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहिला, मानपुर, खैरागढ़, गंडई, बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, शक्ति, गोरेला पेंडा, मरवाही। अंबिकापुर जिला सहकारी बैंक की अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और आपका कोंडागांव, सुकमा। तो इसमें जो है ये सभी के सभी जिला सहकारी बैंक और उनके कार्य क्षेत्र है, ठीक। अगर इनकी शाखाओं की हम बात करें तो शाखाओं को पढ़ लीजिए, इसमें से सर्वाधिक शाखा किसकी है, सर्वाधिक शाखा है आपके इस रायपुर जिला सहकारी बैंक की, ठीक है। तो टोटल इस आपके छत्तीसगढ़ राज्य एपेक्स बैंक और उसके जिला सहकारी बैंकों के अंतर्गत कुल 326 शाखाएं हैं और ये आपकी कृषि साख समितियों की संख्या है। इसमें बस आपको इनके नाम याद रखने जिला सहकारी बैंकों के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कृषक ऋण वितरण। जैसे कि मैंने बताया सहकारी बैंक जो है ये ऋण वितरण का कार्य करती है। हमारे प्रदेश में जो है कृषकों को ऋण प्रदान किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस डाटा में चेंज हुआ है। देखिए आप में से ना कुछ स्टूडेंट जो कि पिछले एक आध साल से फॉलो कर रहे होंगे, उनको लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे के बुक में जो पिछले साल जो चीज़ें लिखी हुई थी वैसे ही चीज़ें इस साल के बुक में दे दिया गया है, पिछले साल के बुक को रिप्रिंट करके छाप दिया गया है। ऐसे एक दो साल से फॉलो करने वाले स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है, मैं अपने इकोनॉमिक सर्वे के बुक में ज़्यादा चेंजेस करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग इस बुक को पिछले 3-4 सालों से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको आइडिया है, उनके लिए अगर मैं चेंज कर दूंगा ना तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। एक नई पुस्तक को शुरू से पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता है। इकोनॉमिक सर्वे में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, थ्योरी पोर्शन चेंज नहीं होता, उसमें आंकड़े बदलते हैं, उसमें डाटा चेंज होते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो एक दो साल से फॉलो करते हैं, अरे सर पिछले साल के बुक को आपने फिर से रिप्रिंट मार दिया। अरे पहले पढ़ तो लिया करो, उसमें डाटा चेंज रहते हैं। अभी बता रहा हूं किस प्रकार से चेंजेस हुआ है। देखिए कृषक ऋण वितरण, हमारे प्रदेश में कृषक अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, यह राशि है आपके 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तक अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है 0% ब्याज दर पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 0% ब्याज दर पर किसानों कृषि को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि जो किसान है उन्हें कृषि कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जा रहा है 5 लाख रुपए तक का 0% ब्याज दर से। पहले ये राशि 3 लाख थी, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, ये डाटा अपडेट हुआ है। वैसे ही आपको पता होगा हमारे प्रदेश में मछली पालन और लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है, ठीक है। मछली पालन और लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया, अब ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी इसकी खेती करने वाले भी क्या कहलाएंगे, कृषक कहलाएंगे। तो इन्हें भी अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज दर पर प्रदान किया जा रहा है। पहले इन्हें 1 लाख रुपए तक की राशि जो है आपके 1% ब्याज दर पर और 3 लाख रुपए तक की राशि 3% ब्याज दर पर प्रदान किया जाता था। लेकिन अब जब प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि मछली पालन और लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाएगा तो यह भी अब अल्पकालीन ऋण के लिए पात्र हो गए हैं और लाख की खेती करने वालों को भी 0% ब्याज दर पर और मछली पालन करने वालों को भी जो है 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मछली पालन वालों को 3 लाख रुपए तक का जो अल्पकालीन ऋण वो 0% ब्याज दर पर और लाख की खेती करने वालों को भी आपका देखिए पोषक वृक्ष कुसुम पर 5,000 रुपये, बेर पर 900 रुपये और पलाश पर 500 रुपये प्रति वृक्ष। एक वृक्ष पर बात किया जा रहा है, एक वृक्ष पर जो है आपके 500 रुपये, 5,000 रुपये, 9,000 रुपये, कुसुम वृक्ष पर 5,000, बेर के वृक्ष पर 900 रुपये और पलाश के वृक्ष पर 500 रुपये प्रति वृक्ष इसमें ऋण दिया जाएगा 0% ब्याज दर पर। और इन्हीं ये कुसुम के वृक्ष, बेर के वृक्ष और पलाश के वृक्ष पर ही लाख की खेती की जाती है, एक प्रकार का चिपचिपा गोंद पदार्थ होता है, ठीक है। उद्यानिकी कार्यों यानी कि ये भी आपका एक प्रकार का कृषि है, उद्यानिकी कार्यों में भी 3 लाख रुपए तक 0% ब्याज दर पर इसमें भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप कृषि, मछली पालन, उद्यानिकी और आपका लाख की खेती, इन सभी को ऋण प्रदान किया जा रहा है 0% ब्याज दर पर।
एकमात्र बचा हुआ है आपके गौ पालन हेतु ऋण। गौ पालन हेतु 2 लाख तक 1% ब्याज की दर से और 2 से 3 लाख तक जो है 3% ब्याज की दर से इन्हें ऋण दिया जाता है। प्रदेश सरकार जल्द ही इसे भी शून्य कर देगी। ठीक है, देखिए, राज्य शासन द्वारा 2021-22 से मत्स्य पालन और कृषि पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र में आवंटित ऋण जून 2021 की तुलना में जून 2022 में 23.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में स्थापित शक्कर कारखाने। हमारे प्रदेश में कुल आपके 4 शक्कर कारखाने हैं। एक है आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। भोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि रामेपुर कवर्धा में है, महामाया शक्कर कारखाना जो कि केतरा ग्राम सूरजपुर में है, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना जो कि करकाभाटा बालोद में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना जो कि आपके पंडरिया कवर्धा में है। आपके भोरमदेव शक्कर कारखाना का उत्पादन वर्ष है 2002-03। माँ महामाया और आपके माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना का उत्पादन वर्ष है 2009-10 और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना का उत्पादन वर्ष है 2016-17। हमारे प्रदेश का सबसे नया शक्कर कारखाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पेराई क्षमता की बात करें तो भोरमदेव का है 3500, माँ महामाया का है आपका 2500, माँ दंतेश्वरी का है 1250 और सरदार वल्लभ भाई पटेल का है 2500। तो हमारे प्रदेश के किस शक्कर कारखाने का पेराई क्षमता सर्वाधिक है पूछा जाए तो वो है आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना। पेराई क्षमता का मतलब क्या होता है, जब कभी भी अभी गर्मी का सीजन चल रहा है आप गन्ना रस पीने के लिए जाते हैं तो गन्ना रस में जो आपका 2 रोलर घूमते रहता है उसके बीच में जो गन्ना डाला जाता है ना, गन्ना को डाल के जो रस निकाला जाता है वही कहलाता है आपका पेराई। तो सर्वाधिक पेराई क्षमता किसकी है, भोरमदेव शक्कर कारखाना। इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका 4 शक्कर कारखाने के नाम दे देगा, एक तरफ 4 शक्कर कारखाने का नाम देगा और दूसरे तरफ ये सब नाम दे देगा और सुमिलित कीजिए करके आएगा, मैच द फॉलोइंग, ऐसे करके इससे प्रश्न बन सकता है। सर्वाधिक पिराई क्षमता किसकी है पूछेगा तो भोरमदेव शक्कर कारखाने की, तो इससे ये प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है किसानों से गन्ना खरीदी एवं उत्पाद पेराई वर्ष 2021-22 के लिए, 21-22 का आंकड़ा है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो कवर्धा बालोद सूरजपुर और पंडरिया, कवर्धा यानी कि भोरमदेव शक्कर कारखाने की बात हो रही है, बालोद यानी कि यहां पर मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाने की बात हो रही है, सूरजपुर जहां पर आपका केरता ग्राम जो माँ महामाया शक्कर कारखाना है उसकी बात हो रही है और पंडरिया जहाँ पर इस पंडरिया में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना है। अगर हम बात करें, देखिए इससे तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ, सर्वाधिक इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सर्वाधिक पेराई लक्ष्य रखा गया था किसका, आपका भोरमदेव शक्कर कारखाने का, और यहीं पर सर्वाधिक गन्ने की पेराई हुई और यहीं पर सर्वाधिक आपके शक्कर का उत्पादन हुआ, गन्ने से ही शक्कर बनता है। देखिए पेराई मेट्रिक टन में है और शक्कर का उत्पादन क्विंटल में है, 40,757.20 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ, सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन हुआ भोरमदेव शक्कर कारखाने से, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेराई वर्ष 2021-22 में हमारे प्रदेश में कुल शक्कर का उत्पादन रहा आपका 1,10,451.25, इतना शक्कर का उत्पादन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट जो कि PPP मॉडल पर आधारित है, गन्ने के मोलासिस से इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा इस इथेनॉल प्लांट में। जो माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना सूरजपुर के केतरा ग्राम में है और भोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि कवर्धा के रामेपुर में है, यहाँ पे गन्ने के मोलासिस से एथेनॉल प्लांट निर्माण किया जाएगा, एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है। माँ महामाया शक्कर कारखाना में 20 KLPD क्षमता का इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, इसके लिए MOU यानी कि समझौता हस्ताक्षरित हुआ है VSI कंपनी पुणे के साथ और भोरमदेव शक्कर कारखाने में 80 KLPD क्षमता का इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, इसके लिए MOU यानी कि समझौता हुआ है NKG बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के साथ, छत्तीसगढ़ डिस्लरी है। ठीक है, तो ये है हमारे प्रदेश में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट जो कि गन्ने के मोलासिस से, गन्ने से जो शक्कर निकालने के बाद जो आपका अपशिष्ट बच जाता है उस मोलासिस से इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये तो आपके प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट है। अब इसके बाद स्थापित प्लांट की हम बात करें, जैसे कि ये कुछ स्थापित प्लांट है, स्थापित प्लांट जिसमें आपके विद्युत का उत्पादन किया जाता है,
14 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट जो कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया जिला कबीरधाम में 14 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट यहां पर स्थापित है, जबकि 6 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट मां महामाया शक्कर कारखाना ग्राम केतरा सूरजपुर मर्यादित अंबिकापुर। देखिए ये जो शक्कर कारखाना है ये सूरजपुर में है, लेकिन सरगुजा संभाग का मेन मुख्यालय अंबिकापुर, इसलिए मर्यादित अंबिकापुर लिखता है। इसको लेकर के भी एक स्टूडेंट का डाउट आया था, किसी ने मुझे मैसेज किया था जिसमें इसने अपने बुक में इसको क्रॉस करके नीचे तरफ लिख दिया था कि यहाँ पर भोरमदेव शक्कर कारखाना होना चाहिए करके। देखिए इकोनॉमिक, मैंने उनको भेजा भी था, इकोनॉमिक सर्वे के बुक में जाकर के देखेंगे तो ये महामाया ही है, पहले आपका एक भोरमदेव में भी है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में माँ महामाया शक्कर कारखाना दिया गया है। मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक सर्वे के डाटा से हम छेड़छाड़ नहीं करते, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है हम उसी को लेकर चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 14 मेगावाट का एक पावर प्लांट आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने में है और 6 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट है। ये क्या है, को जनरेशन पावर प्लांट माँ महामाया शक्कर कारखाना आपका केतरा ग्राम सूरजपुर मर्यादित अंबिकापुर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिकता कृषि साख सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, ज़्यादा इसमें डिटेल करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज़ याद रखना जो कि एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि हमारे प्रदेश में जो है पहले 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ संचालित थी, जिसमें 725 समितियां नवीन शामिल हुई। इनके शामिल होने के बाद वर्तमान में हमारे प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां संचालित है, और इस आंकड़े से क्वेश्चन आता है। बाकी इसका कार्य क्या है यह आप देख सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही धान उपार्जन, रासायनिक उर्वरकों का वितरण आदि कार्य किया जाता है। नई समितियों के अस्तित्व में आने से किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलना शुरू होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डाटा इंपॉर्टेंट है उस पर मेन फोकस कीजिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंडस मेगा फूड पार्क। इंडस मेगा फूड पार्क ये कहां पर है, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, रायपुर जिले के बेमता सरोरा वाले क्षेत्र में इस इंडस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया 3 जून 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, ठीक है। इसका बस लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी किसानों, प्रसंस्करणकर्ता, खुदरा विक्रेता को एक साथ ला करके कृषि उत्पाद को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि मूल्य संवर्धन को अधिक और अपव्यय को कम किया जा सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आय के स्रोत बढ़ाया जा सके और जो वेस्टेज है उसे कम किया जा सके, किसानों की आय को ज़्यादा करने व रोजगार के नए अवसर को प्रदान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। इसका क्या लोकेशन इंपॉर्टेंट है और किस डेट को इसका उद्घाटन हुआ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन वाला टॉपिक होता है समाप्त। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपका जो केंद्र सरकार की जो हमने योजनाएं पढ़ी है वो योजना, उससे कथन आधारित स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।